नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। सतना बूथ समिति के कार्यकर्ता ही भाजपा की ताकत है, शिवराज सिंह चौहान। बूथ समिति के कार्यकर्ता भाजपा की ताकत है। प्रदेश की अनेकों योजनाएं हैं जो समाज में व्यापक परिवर्तन ला रही हैं। इनमें लोगों का जीवन स्तर ऊंचा उठ रहा है। दुर्गापुर बूथ केंद्र में हमारे दल को सर्वाधिक मत मिले, ये बात शनिवार को बूथ विस्तारक के रूप में सतना जिले के उसरार शक्ति केंद्र पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कही। भारतीय जनता पार्टी के पितृ पुरुष कुशाभाऊ ठाकरे के जन्म शताब्दी वर्ष में पार्टी के द्वारा चलाई जा रही बूथ विस्तारक योजना के अंतर्गत प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शनिवार को सतना जिले के रहगांव विधानसभा के सिंहापुर मंडल अंतर्गत उसरार शक्ति केंद्र के दुर्गापुर बूथ पहुंचे, जहां उन्होंने बूथ समिति पन्ना समिति की बैठक ली। साथ ही साथ गांव में आयोजित हितग्राही सम्मेलन को संबोधित किया। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बूथ अध्यक्ष कल्याण सिंह गोंड के यहां भोजन किया और गांव के विद्यालय में मुख्यमंत्री पौधा लगाए, तभी ग्रामवासियों से पर्यावरण संरक्षण का अनुरोध भी किया। बहनों की भजन मंडली में मुख्यमंत्री ने झांझ भी बचाई। बता दें कि गांव में पहुंचे मुख्यमंत्री चौहान ने बड़ा देव ठाकुर बाबा के चबूतरे पर पूजा अर्चना की और ठाकुर बाबा भजन मंडली जो गांव की महिलाओं के द्वारा बनाई गई है, उसके साथ मुख्यमंत्री ने भजन संगीत का भी आनंद लिया। इंडिया न्यूज 28 के लिए दीपक बर्थे की रिपोर्ट। चलो चलो आए देखो दुर्गापुर में और राज आए दुर्गापुर। कितने समूह है अपने? 15 समूह। क्या क्या काम कर रहे हैं? खेती बाड़ी कर रहे हैं, प्याज अभी लगा रहे हैं, मछली उद्यापन हो रहा है। मछली का भी शुरू किया? अरे ये समूह मिलके मेरी समूह अभी अपना समूह कब से काम कर रहा है? समूह कितने समय पहले बना था? डेढ़ साल, 15 साल। तीनों दीदियाँ दे दो, थोड़ा सा नीचे कर लो इसको। दादा और मैंने ये दीदी का से जुड़ने के बाद जो सिलाई गणवेश का काम किया दादा, यहीं से रखना है दादा। मैंने जो ये अलग तो असल तो समूह है सिलने के बाद दादा मेरे स्वीकार कीजिए। जी जी, अरे बैग बना है, हमारे सबको महिलाएं जो अजीबी कमीशन से जुड़ी है, इसको पहन लो, इसको पीछे कर लो दीदी। कहाँ? यही तो बनाया हमारे उस साइड। और भी हमें और भी बना के बेच रहे हैं क्या दादा? अभी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि बना के बाहर ही बेचने का, लेकिन इसमें इसको बनाने में कितने पैसे लग गए दादा? इसमें लगभग 1000 से एक जैकेट बनाने में, मतलब हम लोग को मेहनत जोड़ के आया, मेहनत अलग से हम लोग का मेहनत जोड़ के। कपड़ा सही, कपड़ा सही, कपड़ा इसको अगर अपन बेचेंगे कहाँ है? ये कहीं बेचने की कोशिश हम लोग चाहते भी है कि हम लोग के जो सेंटर बन गए हैं तो हम लोग हमेशा उससे जुड़े रहे, हमेशा स्कूल की गणवेश ना चाहिए। अब ये पहन लेता हूँ, दोनों तरफ से पहन सकते आगे हमेशा सेंटर। अरे दोनों तरफ से पहन सकते हैं, कॉलेज का काम भी करना चाहते हैं और साथ में शायद बिल्कुल आपके नाप ये नाप कहीं करवाया था अंदर से? लुया पतला हूँ मैं तो।